गाइस, दिस इज निशान, वेलकम टू माय चैनल। एंड मैं आज सभी को दिखाने वाला हूँ स्टूडेंट हॉस्टल इन स्पेशली इन हेलबॉर्न। और जो स्टूडेंट जर्मनी आ रहे हैं या स्पेशली इन हेलबॉर्न आ रहे हैं, तो स्टूडेंट अकोमोडेशन कैसा होता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ उनको मिलती हैं, कितना रेंट होता है, या फिर कितना डिफ़िकल्ट है अकोमोडेशन मिलना जर्मनी में। सो लेट मी शो यू, दिस इज़ द प्लेस, इट्स कॉल्ड मैक्स प्लैंक स्ट्रासे स्टूडेंट बोहनाइम। मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जो यहाँ पर रहता है, वो आने वाला है और वो मुझे पूरा दिखाएगा स्टूड पूरा उसका हॉस्टल और उसका रूम एवरीथिंग। ओ आ गया। हाय हार्दिक, हाउ आर यू डूइंग? आई एम आल्सो फाइन। सो ओके, हाँ तो सो इसका खोलने के लिए हैव टू पुट योर कार्ड जो कि योर रूम की भी है। ओके तो ये हमारा पोस्ट बॉक्स आ गया, यहां पे सारे जो पोस्ट है सब आ गए। ओके अब की मिलती है, इसकी से खोलना पड़ता है। ओके ओके, तो जिसके रूम मेरा रूम नंबर है 21 एंड इट्स ऑन फोर्थ फ्लोर, सो इट्स 421। ओके सो मतलब जिसका रूम नंबर है उसकी स्पेसिफिक उसी के पोस्ट बॉक्स में आएगी और उसके हिसाब से अपना कलेक्ट कर सकते हैं। ये है स्मॉल नोटिस बोर्ड। ओके सो दिस इज अ लिफ्ट। हां ओके, एंड व्हिच फ्लोर यू लिव? ओके ओके आपको मतलब ये चादर और ये सब खरीदी है। एंड इस भाई ने यार काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ना रूम देख के, पूरा डेकोरेट कर रखा है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना, मतलब अपने फोकस के लिए अपने तरीके से बंदे को रूम सेटल कर सकते हो आप। इवन कई कई बार हमको थोड़ी बहुत छोटी मोटी पार्टी भी करनी पड़ती है। ओके सो ये स्पेस भी मिल जाता है। बाकी आई थिंक काफ़ी अच्छा रूम है ना, और मतलब ये विंडो है वही जो जर्मनी की टिपिकल विंडो होती है। ओके वन वे टू वे और फिर इसके बाद ये मैनुअल मेरा यहाँ पे नॉर्मली ऑटो भी होता है, इसको आप दिन में बंद कर सकते हो, काफ़ी धूप आती है। ओके और एक यहाँ पे लैंडलाइन है जिसको आप अगर कोई नीचे आता है तो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे से करके। हाँ और ये क्या है? दिस वन। ओके सो ये वाईफाई स्कैन करने के लिए हर हर रूम में सेपरेट वाईफाई होता है। सो वाईफाई भी इट्स आल्सो अवेलेबल हियर। ओके सो भाई अब आपका वॉशरूम और किचन। हाँ सो इधर चल, ये वॉशरूम है जो कि मैं एक बंदे के साथ शेयर करता हूँ। ओके ये मेरा रूममेट है, इसके साथ में शेयर कर रहा हूं। हाय अंश, इसका रूम भी पूरा सिमेट्रिकल सेम ही है। ओके तो पूरा का पूरा सिमेट्रिकल सेम है। हाँ और भाई ने भी पूरा मैनेज करके रखा है, क्या बात है भाई, अच्छा यार। और ये हमारा छोटा सा किचन है। अच्छा यहां पे इंडक्शन है, इसमें दो है आगे पीछे। ओके पीछे शायद बड़ा वाला है। हां बड़ा वाला आगे नॉर्मल है और ऊपर इन्होंने सामान दे रखे रखने के लिए। ओके ये सारी शेल्फ्स हैं। हाँ शेल्फ है कि हम लोग आराम से दो जने, क्योंकि टू शेड अपार्टमेंट है तो उसमें हम नॉर्मली खाना भी इजीली बना सकते हैं। नीचे फ्रिज भी है और इट्स दे हैव आल्सो फ्रिज। ओ भाई अच्छा है, नीचे वाला मेरा होता है, ऊपर वाला इसका कर सकता है, ऊपर एक फ्रीजर भी है। ओके तो तुम दोनों ने पूरा डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है अपना। ओके नाइस भाई नाइस। सो दिस इज द
the laundry room. There are some machines, as you can see, and here we wash our clothes. It's very crucial for students, you know, like it makes our life easier. So, and here we can dry our clothes, although they have also dryer. So it's all about the laundry room that we also get in a student dorm. तो हार्दिक, ये रूम हाउस पूरा का पूरा काफ़ी अच्छा था. तुम्हारा टू शेयर अपार्टमेंट है और एक स्टूडेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है. तो भाई इसका रेंट कितना है? यार इसका रेंट, मैं टू शेयर अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, तो इसका रेंट है 297, ओके, इंक्लूडेड इलेक्ट्रिसिटी का एंड वाटर का बिल. ओके, तो इंक्लूडेड वो इलेक्ट्रिसिटी वाटर, मतलब आपको कुछ पे कर नहीं करना है. ओके, वाईफाई भी मिल गया, हीटर भी मिल गया, सब कुछ एक अच्छा इंडिया जैसे एक टू शेयर अपार्टमेंट हो गया. तो ओके, काफ़ी अच्छा लगा यार रूम देख के. जिधर मैं रहता हूँ वो दूसरी बिल्डिंग है सामने, ये 27 है. सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पूरा हॉस्टल दिखाया, सो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जर्मनी आ रहे हैं या किसी भी सिटी में आ रहे हैं जर्मनी में, तो आप ज़रूर से स्टूडेंट हॉस्टल के लिए अप्लाई करें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको सारी बेसिक फैसिलिटीज तो मिलती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा चीपर हो जाता है. और इसके साथ साथ मैं आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं जर्मनी में अकोमोडेशन मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो ऑब्वियसली ये मुश्किल है, बहुत ज़्यादा इजी नहीं है. लेकिन उसी के लिए मैंने जो हेलबोर्न में, अगर आप कोई भी स्टूडेंट आ रहे हो या आना चाहते हो, तो मैं उसके लिए सारे अकोमोडेशन के सोर्सेज का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे कि W27 है या फिर आई लिव है या ये स्टूडेंट बोर्नहाइम है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, तो आप जाके विजिट कर सकते हो और अपने लिए अकोमोडेशन ढूंढ सकते हो. सो गाइस, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा जो जर्मनी आना चाहते हैं या आने का प्लान बना रहे हैं.